आप सभी लोग लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र की कुछ परंपराएं कि सरकार लोग चुनते हैं, सरकार चलाने का मौका भी जनता देती है, वोटर देता है, और सरकार गिराने का अधिकार भी जनता के पास रहता है। अनफॉर्चुनेटली हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है पूरी तरह से फेल रही है 5 सालों में जयराम ठाकुर जी की। अब वो चाहते हैं कि किसी तरह, बहुत सारे सर्वे कराए इन्होंने और हर सर्वे में जो है भाजपा की सरकार जा रही है। अब ये एक मॉडल तैयार कर रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ ऐसे लोगों को संपर्क किया जा रहा है जो जीतने वाले हैं और विधायक हैं, और उनके प्रलोभन दिया जा रहा है, पैसे का, धन बल का और एजेंसीज का मिसयूज भी हो रहा है। ये बात हमारे माननीय विधायक अनिरुद्ध सिंह जी ने खुद कही है 2 दिन पहले कि मुझे भी जो है ये प्रयास मुख्यमंत्री जी ने फोन किए हैं। तो ये बहुत गंभीर बात है, ये सिस्टम को ऐसे थोड़ी चलता है कि मुख्यमंत्री जी दूसरे लोगों को बोले आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें। भाजपा आज इतनी कंगाल होगी, उनके पास अपने लोग नहीं है। आज वो कहते हैं कि हमको चाणक्य भी दूसरी पार्टी से चाहिए, लोग भी दूसरी पार्टी से चाहिए। इसका मतलब साफ तौर पे जाहिर है कि पूरी तरह से कमजोर सरकार थी, फेल रही है, और हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का मन बन चुका है कि भाजपा को बदलना है। 5 तारीख को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कांग्रेस पार्टी 2 विषय पर व्हाइट पेपर जारी करने की बात कर, जो आज प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आज 14 लाख के करीब बेरोजगारों का आंकड़ा हो चुका है और 15% के करीब बेरोजगारी दर हिमाचल प्रदेश में है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी जिक्र किया, आज फिर से हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, आपको ये बताना चाहिए प्रदेश की जनता को, आप श्वेत पत्र जारी करें कि कितने लोगों को रोजगार सरकारी क्षेत्र में और गैर सरकारी क्षेत्र में मिला है। ये प्रदेश के लोगों का जानने का अधिकार है सरकार से, आप सरकार में हैं। दूसरी बात, कर्जा जो है 75,000 करोड़ रुपये का हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर होने वाला है। आपके 5 साल के कार्यकाल में आपने कितना कर्जा लिया उसके ऊपर व्हाइट पेपर जारी करें कि वो कर्जा कहां पर खर्च हुआ, कौन से विकास कार्यों में लगा और कितना कर्जा इस सरकार ने लिया। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि प्रदेश की जनता को बताएं कि 5 साल में आपने क्या किया और कौन से वादे प्रदेश की जनता से किए थे, वो कितने पूरे हुए। नेता हो, ये गारंटी किसी की नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। सरकार बनाने में लोकतंत्र में जनता का हाथ होता है, लोग प्रदेश की जनता बनाएंगी और गढ़ाएगी। एक नेता के बोलने से सरकार नहीं बनेगी, सरकार इस बात का लोग ध्यान रखेंगे कि 5 साल में प्रदेश में भाजपा ने क्या किया, कौन सी मांगे लोगों की पूरी हुई, जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में वो कितने पूरे हुए, कौन सा वर्ग ऐसा है जो आज सरकार से खुश है। उनके कहने से सरकार नहीं बनती। बाई इलेक्शंस में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने ये दिखा दिया है कि भाजपा एक फेल मॉडल है हिमाचल प्रदेश में, और बदलाव की तरफ जो है प्रदेश के मतदाता जा रहे हैं। कांग्रेस की जो फेक लिस्ट थी वो, उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी 7 अक्टूबर को अगली मीटिंग रखी है दिल्ली में, और हम उम्मीद करते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और 10 तारीख तक हम ये समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे नाम कांग्रेस पार्टी की और लिस्ट जो है जारी हो सकती है।